चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर EBS क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 14, फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट। इन प्रीवियस पार्ट वी हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस लेसन। इससे पहले के पार्ट में हमने ये लेसन को रीड किया और उसको समझ लिया है। ये पार्ट में हम क्या करेंगे, अपनी नोटबुक एक्सरसाइज करेंगे। वी हैव टू कम्प्लीटेड आवर नोटबुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन इज WHAT वॉट ARRTRESS ट्रीज। वॉट आर ट्रीज, तो मैंने आपको पहले बताया था वॉट आर ट्रीज, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर ट्रीज। बिग और जो बड़े और स्ट्रांग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। देन वी राइट हियर, लेट्स वी राइट BIG बिग, ANT एंड, STRONG स्ट्रांग, PLANTS प्लांट्स, ARER, TREES ट्रीज। बिग एंड स्ट्रांग प्लांट्स आर ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं, जो बिग और स्ट्रांग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, WHAT वॉट ARRSHRUBS श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, वॉट आर श्रब्स, तो मैंने आपको बताया था वॉट आर श्रब्स, स्मॉल प्लांट विथ मैनी स्टेम आर श्रब्स। जो छोटे प्लांट होते हैं और उनमें बहुत सारे स्टेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। लेट्स वी राइट SMAWS स्मॉल प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स, WYTH वीट, STEM स्टेम, स्मॉल प्लांट विथ स्टेम, मैनी स्टेम, आपको यहाँ पे लिखना है MANY मैनी, स्मॉल प्लांट्स विथ MANY मैनी, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है बेटा, विथ मैनी स्टेम्स आर क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट विथ मैनी स्टेम, बहुत सारे स्टेम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, छोटे प्लांट जिनमें बहुत सारे स्टेम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स, SHRUBS। वी राइट हियर स्मॉल प्लांट्स विथ मैनी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी तो आपको यहाँ नीचे इधर ही लिखना, इन दोनों के बीच में MANY मैनी, स्टेम आर श्रब्स, स्मॉल प्लांट विथ मैनी स्टेम्स आर श्रब्स। क्वेश्चन नंबर 3, WHAT वॉट ARRHERBS हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, हमने पहले इस लेसन में सीखा था, वेरी स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्लांट बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट, जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी क्या होती है, सॉफ्ट स्टेम्स होती है। वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर हर्ब्स। वेरी VERY वेरी SMAWS स्मॉल PLANTS प्लांट्स WITH वीट SOFT सॉफ्ट STEMS स्टेम्स आर क्या होते हैं, वो हर्ब्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी जो बहुत स्मॉल होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, SOFT सॉफ्ट मतलब बहुत ही कोमल होती है, मुलायम होती है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHAT वॉट ARRCLIMBERS क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वॉट आर क्लाइंबर्स, तो मैंने आपको बताया था लेसन में, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, ऐसे प्लांट्स जो वीक होते हैं मतलब कमज़ोर होते हैं और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर कहते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब आर क्लाइंबर्स। लेट्स राइट
PLANTS, plants, with, 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 weak, 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 STEMS, stems, and NEED, need, SUPPORT, support, to climb, TO2, CLIMB, climb, R, climbers, CLIMB, ERS, climbers. ऐसे प्लांट्स जो वीक होते हैं, वीक स्टेम होती है और नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, उन्हें क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं. प्लांट्स विद वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब आर क्लाइंबर्स. ओके, नंबर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं, तो क्रीपर्स क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ऐसे प्लांट्स जो ग्राउंड के साथ ही बड़े होते हैं, ग्राउंड पर ही होते हैं, क्रीप करते हुए वो बड़े होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं. प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स. नेक्स्ट स्लाइड, प्लांट्स PLANTS प्लांट्स, GROW ग्रो, ALONG along, TH the, GROUND ground, R creepers, CREEPERS creepers. Plants grow along the ground are creepers. Number 6, write any 2 uses of plant. आपको मैंने प्लांट्स के बहुत सारे यूज़ के बारे में बताया, प्लांट्स हमें क्या क्या काम में आते हैं, तो आपको कोई भी 2 लिखने हैं तो मैं आपको यहाँ पे 2 लिखवा देती हूँ. वी गेट फूड फॉर प्लांट, प्लांट से हमें क्या मिलता है, वी WEB GET गेट फूड, FOOD फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, खाने की चीज़ें मिलती है ना, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. और क्या मिलता है प्लांट से हमें, वी गेट वुड, वुड मतलब लकड़ी भी मिलती है, WEVGET गेट WOOD वुड, वुड मिलता है मतलब लकड़ी मिलती है, वुड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट. फूड भी मिलता है, खाना भी मिलता है, वुड मीन्स लकड़ियाँ भी मिलती है. देन क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करने हैं. फर्स्ट इज PLANTS प्लांट्स, HELP हेल्प, KEEP कीप, THE द, AIR एयर. प्लांट्स एयर को कैसा रखते हैं, मैंने आपको बताया था लेसन में, हमने रीड किया था, क्या करते हैं प्लांट्स से एयर कैसी, हवा कैसी हो जाती है, कूल होती है एंड फ्रेश हो जाती है, मतलब एकदम ठंडी और ताजी हो जाती है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, COOL कूल, ANDE एंड FRESH फ्रेश, FRESH फ्रेश. प्लांट हेल्प कीप द एयर कूल एंड फ्रेश. ओके, ये आंसर में क्या आएगा फिर ब्लैंक में, कूल एंड फ्रेश. नंबर 2 इज अ डैश इज अ स्मॉल प्लांट. स्मॉल प्लांट क्या होता है, सबसे छोटे प्लांट्स कौन से होते हैं, तो दिस इज अ श्रब्स. क्या होते हैं वो, श्रब्स होते हैं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, SHRUB श्रब. अ श्रब इज अ SMEE स्मॉल PLANTS प्लांट्स. नंबर 3, वी गेट डैश FROM फ्रॉम TREES ट्री, टू MAKE मेक, TABLES टेबल, ANDE एंड CHAIR चेयर. हमें प्लांट से मतलब ट्री से हमें टेबल और चेयर बनाने के लिए क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें, यस वेरी गुड, हमें मिलता है वुड मिलता है, मतलब लकड़ियाँ मिलती हैं. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज टू मेक टेबल एंड चेयर्स. नंबर 4,
वी गेट कॉटन सी डबल ओ सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन एफ आर ओ एम फ्रॉम डैश प्लांट. हमें कॉटन कौन से प्लांट से मिलता है? हमें कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. वी राइट हियर कॉटन सी डबल टी ओ एन कॉटन. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. नंबर फाइव सम श्रब्स ऑल्सो है. कई श्रब्स होते हैं जिनमें क्या होता है, श्रब्स आपको पता है स्मॉल प्लांट होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं, उनमें बहुत सारे स्टेम्स होती है, मैनी स्टेम्स होती है. पर उनमें और क्या होता है, सम श्रब्स आल्सो है, उनमें एक और चीज़ होती है, वो होता है थ्रॉन, टी एच आर ओ एन थ्रॉन. ये लिखना है आपको टी एच आर ओ एन थ्रॉन. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी एच आर ओ एन एस थ्रॉन्स. मीन्स कांटे भी होते हैं कई श्रब्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें कांटे थ्रॉन्स होते हैं. नंबर सिक्स अ डैश लीफ फॉर मैनी ईयर्स. ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो बहुत टाइम तक जिंदा रहता है, जिनका जो होता है लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे कौन होता है, वो होते हैं ट्रीज. तो यहाँ पे आपको देखा है टी लिखा हुआ है, यहाँ पे टी आर डबल ई ट्री. वी राइट हियर टी आर डबल ई ट्री, सॉरी टी आर डबल ई ट्री लिखना है आपको. क्वेश्चन नंबर थ्री मैच द फॉलोइंग्स. क्वेश्चन वन नंबर डब्ल्यू डब्ल ओ डी वुड. वुड क्या होता है, वुड इज अ वुड किससे मिलता है हमें, ऑक ट्री से. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ए वुड हमें किससे मिलता है, ऑक ट्री. देन कॉटन किससे मिलता है हमें, कॉटन प्लांट से. तो यहाँ क्या लिखना है आपको, सी. देन नीम हमें किससे मिलता है, नीम क्या होता है, नीम इज अ ट्री. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी. और क्लाइंबर क्या होता है, मनी प्लांट, मनी प्लांट इज अ क्राइम्बर. देन क्वेश्चन नंबर फोर चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके उसको टिक करना है. फर्स्ट इज दीज प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. ऐसे प्लांट जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वो हम प्लांट्स होते हैं क्लाइंबर. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लाइंबर पे टिक करेंगे. आपको जो राइट आंसर उस पर टिक करना है. दीज प्लांट कैन नॉट स्टैंड स्टेट. ऐसे प्लांट जो सीधे खड़े नहीं हो सकते अपने आप, उन्हें बोलते हैं क्लाइंबर. दीज आर शॉर्टर प्लांट विच बैर फ्लावर समटाइम. ऐसे प्लांट जो कई बार फ्लावर्स को मतलब फूलों को आते हैं, जिनमें ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं श्रब्स होते हैं क्रीपर. तो आपको जो बीच में लाइन दी है उनमें दोनों में से एक को चूज करना है. दीज प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स. तो हम यहाँ श्रब पे टिक करेंगे. नंबर थ्री दीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. ऐसे प्लांट जो बड़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ऐसे प्लांट्स कौन से होते हैं, क्लाइंबर और ट्रीज. ऐसे प्लांट्स होते हैं ट्री. तो हम यहाँ पे ट्री पे टिक करेंगे. नंबर फोर दीज प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड. ऐसे प्लांट्स जो ग्राउंड मतलब जमीन पर के साथ में ही होते हैं, क्रीप करते हैं उनमें. तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर. देन लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव गिव वन वर्ड आंसर. आपको वन वर्ड में आंसर देना है. प्लांट वर शेप बाय पीपल. ऐसा प्लांट जिनकी हम लोग पीपल मतलब लोग जो होते हैं वो पूजा करते हैं. वर्शिप मतलब होता है डब्ल्यू ओ आर एस एच आई पी डबल पी ई टी. वर्शिप मतलब पूजा करना. ऐसे प्लांट जिनकी पूजा होती है उन्हें हम, कौन सा प्लांट होता है ऐसा, तुलसी. तो हम क्या लिखेंगे, टी यू एल एस आई तुलसी. कौन सा प्लांट होता है ऐसा, तुलसी. और पीपल का भी प्लांट हो सकता है. तो प्लांट वर्शिप बाय पीपल आर तुलसी. आपको क्या लिखना है यहाँ, तुलसी. ओके आप पीपल भी लिख सकते हो. तो हियर वी कंप्लीटेड अवर लेसन नंबर 14 एंड यू हैव टू राइट इन योर ईवीएस नोटबुक. थैंक यू.